नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 जो आयोजित कराई गई है 2022 में, उसका रिजल्ट आ गया है। 22 दिसंबर 2022 को 11 आरआरबी का रिजल्ट जारी हो चुका है और बाकियों का आज आ चुका है। अभी हम बात करेंगे आरआरबी गोरखपुर की नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जॉब सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ गई है। लेकिन उससे पहले रेलवे बोर्ड का जो है पीटी के रिगार्डिंग नोटिस आया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 बिंदु हैं जो खास हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लगभग जो है 17/8/2022 को ये परीक्षा शुरू हुई थी और 11/10/2022 को ये परीक्षा ख़त्म हुई थी। विभिन्न पालियों में हुई थी, लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो PWD NCCA है। PWD NCCA का इस रिज़ल्ट में नाम नहीं है क्योंकि उनको PET में छूट है, इस वजह से उनका रिज़ल्ट PET के बाद जारी किया जाएगा। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो 27/12/2022 से जो है आप अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। ये एक रिज़ल्ट है, इसमें डायरेक्ट रोल नंबर आप देख सकते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं कि आपके रॉ मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, वो आप इसी में देख सकते हैं। तो 27/12/2022 को शाम को 6 बजे से लेकर 1 जनवरी 2023 को रात के 12 बजे तक आप रिज़ल्ट देख सकते हैं अपना स्कोर कार्ड। और आइए अब कट ऑफ पर चलते हैं कि गोरखपुर की कितनी कट ऑफ गई है। तो UR के हम पॉइंटों में बात नहीं करेंगे, हम राउंड फिगर चलेंगे। तो UR की परसेंटाइल स्कोर 97 है, जो कट ऑफ है 69 है। SC की 91 है, कट ऑफ 54 है। ST की 84 है, कट ऑफ 43 है। ST की कट ऑफ अच्छी गई है यहाँ पे। और OBC की 96 है परसेंटाइल स्कोर, कट ऑफ 64 है। उसी तरीके से EWS है 90 परसेंटाइल स्कोर, 51 है। यहाँ पे जो है EWS की कट ऑफ बड़ी है, लगभग 5 ऐसे जोन है जहाँ पे कट ऑफ 40 है मिनिमम EWS की, वहाँ पे EWS वालों को बहुत बेनिफिट मिल गया है। तो अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, आप उस कैटेगरी में आते हैं तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, भविष्य की वैकेंसियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कितने कैंडिडेटों को बुलाया गया है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में टोटल 10,575 कैंडिडेटों को बुलाया गया PD के लिए। ये 3 गुना से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि शॉर्टफॉल की स्थिति से बचने के लिए रेलवे जो है बुलाता है, ये कैंडिडेट और रेलवे दोनों के लिए बढ़िया विकल्प है। तो इसके अंदर जो होता है कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट होते हैं। अभी NTPC का रिज़ल्ट आया है, बहुत भर्तियों का रिज़ल्ट आया है। 2019 की भर्ती कोई इतना लंबा इंतज़ार करता नहीं है। तो जो टॉपर रैंकर बच्चे होते हैं वो और भी कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो PT में जाएंगे नहीं, एग्ज़ाम तो दे देते हैं अपनी योग्यता साबित करने के लिए। तो इसमें जेन्युइन सी बात है कि PT में उतने बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। हो भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे नंबर लाता है वो अच्छा दौड़ता है। तो इसीलिए जो है कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए जाते हैं। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो घटने के तो ज़्यादा चांसेस कम ही है, क्योंकि बढ़ने के भी कमी है। क्योंकि जो है अभी मान लीजिए अगर 40 की कट ऑफ है तो वो बढ़नी ही बढ़नी है, घटेगी नहीं। लेकिन डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि जो है बच्चे टैलेंटेड बच्चा है वो बाहर होता है या फिर एक बॉटम लाइन वाला बच्चा बाहर होता है, वो डिपेंड उस पर करता है। तो कट ऑफ तो इंक्रीज होगी होगी, ये कंफर्म है। डिक्रीज होने का चांसेस का मतलब है कि ना के बराबर है, इंक्रीज तो 100% होगी। तो अभी आपने देख लिया है कि 10,575 बच्चों को बुलाया गया है, कट ऑफ भी आपको बता दी गई है नोटिस में जो है। जनवरी से PET है तो आपको ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। रही बात रिज़ल्ट की, तो आप अपना रोल नंबर डाल के रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे कट ऑफ और रिज़ल्ट दोनों का लिंक दे रखा है। जो बच्चा सेलेक्ट हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करें। उनको सिलेबस और पैटर्न दोनों मालूम चल गया है तो अन्य बच्चों से तो स्ट्रांग ही है, तो वो निराश ना हो, आगे की तैयारी करें। और जो सेलेक्ट हो गए हैं, वंस अगेन उनको जॉब सेंटर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।